हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, 24 सितंबर से स्टार्ट होगा इस साल की एशियन गेम्स। एंड गाइस, मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप किसके लिए एक्साइटेड हो? आपको एक्साइटेड तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से ना गाइस 600 से ज्यादा जो है कॉन्टिंजेंट है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सवाल तो आपके मन में आया होगा कि हम कितने गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हम कितने गोल्ड मेडल जीत सकते हैं एंड कैसा रहेगा इस साल की हमारा एशियन गेम्स का जो परफॉर्मेंस है। देखो, लास्ट ईयर की बात करें 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता में, इस एशियन गेम्स पे ना गाइस हमने ओनली 16 मेडल ही जीता था, ओनली 16 गोल्ड मेडल ही जीता था। बट इस साल हम कितने गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? तो मेरे माने ना गाइस, हम इस साल डबल गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। मतलब पिछले साल हम 16 मेडल जीता था ना, इस साल हम इससे डबल मेडल जीत सकते हैं। तो कौन कौन से वो कॉन्टेंजेंट है जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? तो हियर माई 40 कॉन्टेंजेंट की लिस्ट जो हमारे लिए ना गाइस 40 गोल्ड मेडल ला सकते हैं। हम 40 मेडल ना जीते तो एटलीस्ट हम 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल इस साल की एशियन गेम्स में जीत सकते हैं। तो एक एक करके मैं सभी के नाम बताने वाला हूँ। तो नंबर वन में जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं वो है हमारी मेंस क्रिकेट टीम। यस गाइस, हमारी मेंस क्रिकेट टीम हमारे लिए एक पॉसिबल चांस है कि हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एंड बात करें कॉम्पिटिशन की, जो हमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन देगा मेंस क्रिकेट में वो है पाकिस्तान। इसके बाद वोमेंस क्रिकेट की बात करें तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ वोमेंस क्रिकेट में ना गाइस हम 100% गोल्ड मेडल जीतेंगे। एंड शायद अगर कंपटीशन की बात करें, देखो पाकिस्तान ने आज तक हमको नहीं हराया है, शायद बांग्लादेश ने पिछले दिनों हराया था, शायद बांग्लादेश दे भी सकते हैं, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि हम वोमेंस क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड की बात करें तो कबड्डी मेंस में भी हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो मुझे लगता है ईरान एक ऐसी टीम है जो हमें मेंस में कॉम्पिटिशन दे सकता है। इसके साथ साथ हम फोर्थ मेडल की बात करें, फोर्थ गोल्ड मेडल हम जीत सकते हैं हमारी कबड्डी वोमेंस में से। तो कंपटीशन की बात करें ना गाइस, तो साउथ कोरिया मुझे ऐसा टीम ऐसा नजर आता है जो हमें वोमेंस में हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जो हमारी फिफ्थ गोल्ड मेडल है, फिफ्थ गोल्ड मेडल आ सकते हैं हॉकी मेंस से। तो हॉकी मेंस में मुझे अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो मलेशिया एक ऐसी टीम है जो कॉम्पिटिशन दे सकता है, जापान एक ऐसी टीम है जो कॉम्पिटिशन दे सकता है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, बट हम हॉकी मेंस में भी गोल्ड मेडल पॉसिबिलिटी तो है कि हम जीत सकते हैं। इसके साथ साथ हॉकी वोमेंस की बात करें तो हॉकी वोमेंस में भी हम एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस। एंड कंपटीशन की बात करें, देखो साउथ कोरिया, चाइना वगैरह कंट्री है जो हमें थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सकता है। इसके बाद हम इंडिविजुअल की बात करें, टीम इवेंट्स के बारे में तो बता दिया, हम 6 मेडल जीत सकते हैं। तो हमारा 7th मेडल जो है ना वो आर्चरी से आएगा। हमारे जो ओमेन सिंगल की जो रिप्रेजेंट करेंगे ज्योति सुरेखा वैनम, ज्योति सुरेखा वैनम मुझे लगता है गाइस हमारे लिए ओमेन सिंगल में गोल्ड मेडल ला सकते हैं। इसके साथ साथ जो आर्चरी की जो मिक्स टीम इवेंट है, मिक्स टीम इवेंट में ना गाइस हमारे लिए 8 गोल्ड मेडल आ सकते हैं। इसके बाद 9th गोल्ड मेडल की बात करें जो हमारी एथलेटिक्स आएंगे, 9th गोल्ड मेडल आएंगे शायद मेंस जेवलिन से नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा हमारे लिए हमारे 9th गोल्ड मेडल लाएंगे। एंड पॉसिबल चांस है कि जो कंपटीशन की बात करें तो पाकिस्तान की अरशद नदीम जो है ना, तो नीरज चोपड़ा को कंपटीशन दे सकता है। इसके साथ साथ 10th गोल्ड मेडल जो आएंगे वो भी आएंगे एथलेटिक्स से, 3000 मीटर स्टेबल चेस्ट से, जो अभिनव साबले है वो हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। एंड बात करें कंपटीशन की तो जापान की जो एथलीट्स है वो हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी 11 नंबर की जो मेडल आ सकते हैं वो भी आएंगे एथलेटिक्स से, हमारी मेंस की जो 4x400 मीटर रिले टीम से। तो देखो हाल ही में उन्होंने एशियन गेम्स का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा था, तो जाहिर सा बात है कि हम इसमें भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एंड कंपटीशन की बात करें तो जापान एक कंपटीशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मिक्स रिले टीम है, जो मेंस एंड वुमेंस की जो रिले टीम है 4x400 मीटर की, तो हम इससे भी हमारा 12th गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद हमारे 13 गोल्ड मेडल की बात करें तो मेंस की जो ट्रिपल जंप है जिसके रिप्रेजेंट करेंगे अब्दुल्ला अबूबकर, जिन्होंने जो 2023 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होता है इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था गाइस। तो इसमें भी मुझे लगता है गाइस अब्दुल्ला अबूबकर हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, जिन्होंने 16.92 का जंप किया था गाइस। एंड कंपटीशन की बात करें, अगर जापान की जो एथलीट्स है वो हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंस की जो शॉट पुट है, मैन शॉट पुट में भी जो रिप्रेजेंट करेंगे जितेंद्र पाल सिंह, वो भी हमारे लिए एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, जो हमारी 14th गोल्ड मेडल आ सकते हैं। एंड कंपटीशन की बात करें तो ईरानियन जो एथलीट्स है वो हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हाल ही में जो 2023 के जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था इसमें भी तेजेंद्र पाल सिंह ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ मेंस की जो 1500 मीटर की जो रेस है जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे अजय कुमार, तो वो भी हमारे लिए ना गाइस एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। 2023 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप
चैंपियनशिप होता है, इसमें भी उन्होंने हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। एंड अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो देखो जापान एक कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो 16 गोल्ड मेडल हम जीत सकते हैं वो आ सकते हैं हमारी मेन्स लॉन्ग जम्प से। हमारी जो मुरली श्रीशंकर है वो हमारे लिए ना गाइस एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एंड देखो हाल ही में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना, इसमें मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता था सैडली, मतलब ओनली 0.03 मीटर से हम गोल्ड मेडल चूक हो गए थे। हमारी मुरली श्रीशंकर ने फिनिश किया था 8.37 मीटर एंड जो चाइनीज टेपाई की जो एथलीट्स है वो 8.40 मीटर में फिनिश किया था गाइस। तो मुझे लगता है मुरली श्रीशंकर भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकता है। इसके साथ साथ वुमेन्स की अगर बात करें, वुमेन्स एथलेटिक्स की बात करें तो वुमेन्स 100 मीटर के जो हर्डल्स है जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे ज्योति आयाराज भी हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। 2023 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था इसमें भी ज्योति आयाराज जी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसमें भी हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। कॉम्पिटिशन की बात करें तो जापान के एथलीट जो है वो हमें कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो 18 गोल्ड मेडल आएंगे वो आएंगे 5000 मीटर रेस एंड 3000 मीटर स्टेपल चेस से, जो रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी ने गाइस दो इवेंट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला है 5000 मीटर रेस एंड 3000 मीटर स्टेपल चेस। तो हाल ही में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना इसमें पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता था एंड 3000 मीटर स्टेपल चेस में गोल्ड मेडल जीता था। तो मुझे लगता है गाइस इस कैटेगरी में ना गाइस एटलीस्ट एक तो हम गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो 19th मेडल आएंगे वो आएंगे बॉक्सिंग से। तो हमारी वुमेन्स की जो निखत जरीन है 51 केजी में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉसिबल चांस है कि हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि हाल ही में 2023 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था इसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था। तो पॉसिबल है कि हमारा 19th मेडल जो है वो बॉक्सिंग में से आएंगे एंड 20th मेडल जो है ना वो भी बॉक्सिंग में से आएंगे। वो आएंगे 75 केजी कैटेगरी में जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन मुझे लगता है 75 केजी में हमारे इंडिया को ये हमारा 20th गोल्ड मेडल जीता देंगे। एंड जो हाल ही में 2023 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था इसमें भी लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता था गाइस। इसके बाद हमारे 21 मेडल जो आएंगे वो आएंगे बैडमिंटन से। हमारे जो मेंस टीम है वो शायद हमारे लिए एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस बैडमिंटन में से। इसके साथ साथ हमारे 22 मेडल जो आएंगे वो आएंगे हमारे मेंस डबल से। जो चिराग शेट्टी एंड रेंकी रेड्डी की जो हमारी मेंस का जो पेयर है वो शायद हमारे लिए एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस, क्योंकि हाल ही में उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, हाल ही में उन्होंने थॉमस कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट को भी जीता है गाइस। इसके साथ साथ हमारे जो 23 मेडल आने वाले हैं वो आने वाले हैं गाइस ब्रिज से। तो ब्रिज अगर आपको नहीं पता तो ब्रिज जो टाश के पट्टू के साथ खेला जाता है, तो लास्ट ईयर में ना गाइस हमने ब्रिज में से एक गोल्ड मेडल जीता था। तो इस साल भी हम हमारी जो मेंस टीम है वो शायद हमारे लिए एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे 24 जो मेडल आएंगे 24th मेडल वो आएंगे गाइस चेस में से। तो चेस की जो हमारी मेंस टीम है, तो मेंस टीम मुझे लगता है गाइस हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस। एंड इसके साथ साथ जो हमारे 25th मेडल आएंगे वो आएंगे गोल्फ से। तो हमारे जो आदिति अशोक है जो वुमेन्स इंडिविजुअल में गोल्फ में रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिन्होंने गाइस 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होता है ना इसमें उन्होंने 4th पोजीशन फिनिश किया था गाइस, ओके, एंड एशिया की अभी नंबर 1 भी है। तो आदिति अशोक मुझे लगता है गाइस हमारे इंडिया के लिए गोल्फ में से फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता सकते हैं गाइस। इसके साथ साथ हमारे जो 26वां गोल्ड मेडल आ सकते हैं वो आएंगे रेसलिंग में से। हमारे जो 57 किलोग्राम में जो रिप्रेजेंट करेंगे मेंस में अमन शेरावत, वो शायद हमारे लिए ना गाइस एक गोल्ड मेडल जीता सकते हैं। इसके साथ साथ मैन 65 किलोग्राम में जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे बजरंग पुनिया, वो भी हमारे इंडिया के लिए ना गाइस गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ना गाइस जो पिछले ईयर था 2018 में भी बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो मुझे पॉसिबल है कि इस साल भी हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके साथ साथ वुमेन्स की बात करें रेसलिंग की, वुमेन्स की जो 53 किलोग्राम में जो रिप्रेजेंट करेंगे अंतिम संगल, वो भी शायद गाइस हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस, क्योंकि 2023 में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था अंतिम संगल ने गोल्ड मेडल जीता था गाइस। तो मुझे लगता है गाइस इस कैटेगरी में ना हम इंडिया गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो 29th मेडल आएंगे वो आएंगे रोइंग से। तो शायद रोइंग आपके लिए एक बहुत ही न्यू स्पोर्ट्स है, न्यू स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया की बहुत ही एंशियंट स्पोर्ट्स है ये। तो रोइंग में जो है ना गाइस, रोइंग में जो हमारी मेंस का जो क्वाड्रपल स्कल की जो टीम है वो शायद हमारे लिए ना गाइस एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2018 में भी हमारी इसी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था गाइस, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे शांतम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुखमीत सिंह एंड जकर खान। हमारी ये जो स्क्वाड है वो शायद हमारे लिए अगेन एक हमारे लिए 29th गोल्ड मेडल जीत सकते हैं गाइस। इसके साथ साथ हमारे जो 30 मेडल आएंगे ना, 30th गोल्ड मेडल आएंगे वो आएंगे टेनिस से, जो शायद आ सकते हैं गाइस हमारे जो मेंस डबल्स के जो पेयर है रोहन बोपन्ना एंड डेविड शर्मा, शायद हमारे लिए ना गाइस टेनिस
कि जो मेंस पेयर है मेंस पेयर में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ना गाइस 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुआ था इसमें भी हमारे मेंस पेयर ने गोल्ड मेडल जीता था गाइस। तो शायद 2023 में भी हमें टेनिस में से एटलीस्ट गोल्ड मेडल तो मिल सकते हैं। इसके बाद हमारे 31 गोल्ड मेडल जो आएंगे वो आएंगे स्क्वाश से। स्क्वाश की जो हमारी मेंस टीम है ना गाइस, मेंस टीम मुझे लगता है गाइस हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था ना स्क्वाश में, उसमें हमारी जो मेंस टीम है मेंस टीम चैंपियंस बने थे गाइस। तो मुझे लगता है गाइस हमारी स्क्वाश में हमारी मेंस टीम भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद ना गाइस आते हैं शूटिंग, एंड इस साल ना गाइस हम शूटिंग में से एथलेटिक्स के बाद सेकेंड हाईएस्ट मेडल जीतने वाले हैं गाइस। एंड हमारे 32 मेडल जो आएंगे ना गाइस वो आएंगे शूटिंग से। हमारे 32 मेडल आएंगे एयर राइफल के जो इवेंट से जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे रुद्राक्ष पाटिल, तो इस पर मुझे लगता है गाइस हमारी एयर राइफल में भी गोल्ड मेडल आ सकते हैं। इसके साथ साथ देखो 33 मेडल जो हमारे आ सकते हैं वो आ सकते हैं गाइस एयर राइफल की जो पोजीशन 3 है ना वो उसमें आ सकते हैं गाइस, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे अक्षय प्रताप सिंह तोमर। इसके बाद हमारे जो 34th मेडल आ सकते हैं गोल्ड मेडल वो आ सकते हैं गाइस मेंस की जो एयर राइफल की जो टीम है हमारी, इसमें गाइस मुझे लगता है गाइस एक गोल्ड मेडल आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी 35th मेडल आएंगे वो आएंगे वुमेन्स से। वुमेन्स की जो मेहली घोष है जो रिप्रेजेंट करते हैं एयर राइफल में, वो भी शायद हमारे इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके साथ साथ जो वुमेन्स की जो 25 मीटर पिस्टल की जो इवेंट्स है जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं मनु भाकर, तो मनु भाकर भी मुझे लगता है हमारे इंडिया के लिए एक बार फिर गोल्ड मेडल जिता सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे 37th मेडल जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं गाइस हमारी वुमेन्स की जो एयर पिस्टल है इसमें आ सकते हैं, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे ईशा सिंह। इसके साथ साथ हमारे 38th मेडल जो आ सकते हैं वो आएंगे 25 मीटर पिस्टल की जो टीम्स है ना गाइस, 25 मीटर पिस्टल की टीम से आ सकते हैं वुमेन्स की। इसके साथ साथ 39th मेडल आएंगे हमारी जो एयर राइफल की जो मिक्स टीम है वो मिक्स टीम से मुझे लगता है गाइस हम मेडल जीत सकते हैं। तो हियर माई 7 मेडल जो हम शूटिंग में से जीत सकते हैं। देखो शूटिंग बहुत एक माइनर सा स्पोर्ट्स, आपको पता है ओनली कुछ पॉइंट्स से कोई एथलीट्स गोल्ड जीत जाते हैं कोई एथलीट सिल्वर जीत जाते हैं, तो मेरा ये पॉसिबल है कि हम इतना मेडल जीत सकते हैं। एंड 40th मेडल की बात करें तो इसके लिए मैंने ओपन रखा है, क्योंकि देखो हमारी वुमेन्स की जो 4x400 मीटर की जो रिले टीम है वो भी पिछले साल गोल्ड मेडल जीता था, बट इस साल उनकी जो परफॉर्मेंस है ना थोड़ा मतलब नीचे जा चुका है, तो शायद मुझे लगता है देखो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो पॉसिबल है कि देखो ज्यादा से ज्यादा हम सिल्वर भी जीत सकते हैं गोल्ड भी जीत सकते हैं। तो हमारी 40th मेडल ना इन्हीं स्पोर्ट्स से आ सकते हैं जो मैंने मिस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से कहना है हमारे 40th पॉसिबल सिनेरियो बनता है कि हम 40 मेडल जीत सकते हैं। अगर ऐसा ना होना तो शायद मैं बोल सकता हूँ कि हम कम से कम 35 मेडल आग बंद कर से जीत सकते हैं गाइस 35 मेडल। तो गाइस कैसा लगा इसके वीडियो, आशा करता हूं आपको फुल इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इस वीडियो बनाने के लिए ना गाइस बहुत ही ज्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते मुझे बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना पड़ा। तो मे भी कुछ डाटा एक दो हो सकता है जो शायद गलत भी हो सकते हैं, मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ, तो आप इसको देख लेना। एंड प्लीज मेरा इस जो मेहनत किया है ना इसके लिए एक लाइक तो बनता है एंड एक शेयर तो बनता है। तो ऑन दैट नोट आई कंक्लूड माय वीडियो हियर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।